हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में वोमेंस मैच, जो कि पहले बल्लेबाजी कर यहां पर पाकिस्तान ने बड़ा टारगेट दिया दोस्तों भारत टीम के लिए। और बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ हरप्रीत कौर एंड शेफाली वर्मा दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। हरमित 30 बॉल 63 रन यहाँ पर भारत टीम को जीतने के लिए दोस्तों। और पाकिस्तान की लाजवाब बॉलिंग आज हमें देखने के लिए प्रदर्शन अच्छा रहा पाकिस्तान का दोस्तों। और यहाँ पर दिलशाद मिलाल यहाँ पर दोस्तों जरूर ओवर लेकर आई है और तैयार है यहाँ पर दोस्तों शेफल वर्मा। इस बार पहली बॉल बहुत अच्छी बॉल दोस्तों, यहाँ पर पहली बॉल पर ओवर की तलाश, बहुत अच्छी बॉल, लाइन लेंथ बहुत बेहतरीन, क्या बॉल डाली, क्या बॉल डाली दोस्तों। 15वें ओवर की पहली बॉल डाली यहाँ पर हरप्रीत कौर को दोस्तों। यहाँ पर पाकिस्तान की लाजवाब बॉलिंग दोस्तों आज का इजाफा देखने को मिला हमें। और ये बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करना चाहते दोस्तों ये तो इस बार अगली बॉल के साथ बेहतरीन शॉट नीचे फील्डर रन की मांग है, बिल्कुल भाग दोस्तों यहाँ पर एक और सिंगल साइज कंप्लीट, बिल्कुल दोस्तों बड़ा ग्राउंड रन जाता है और ये चेंज करना होगा यहाँ पर भारत टीम को। और बिल्कुल दोस्तों लड़ रही है यहाँ पर भारत टीम अभी तक, शेफाली वर्मा हरप्रीत कौर यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजी करने के लिए उतरी हुई है दोस्तों। आज मुकाबले में इस बार पैर पर बॉल है, सामने हमारा सिर्फ हवा में शॉट है, नीचे फील्डर एक और रन की मांग की और बिल्कुल आसाइज यहाँ पर एक और सिंगल आता हुआ दोस्तों। बड़े शॉट यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है जरूर यहाँ पर दोस्तों। हरमप्रीत एंड शेफाली वर्मा दोनों ही बल्लेबाजी करने के लिए उतरी जरूर है दोस्तों। तगड़ा मुकाबला है, तगड़ी बल्लेबाजी है भारतीय टीम दोस्तों इस मुकाबले में अभी तक लड़ रही है। इस बार की बॉल पैर पर बॉल है तो बड़े शॉट की मांग की है यहाँ पर हरमप्रीत कौर ने, हरप्रीत कौर ने यहाँ पर दोस्तों बड़ा शॉट मारा है पूरे 6 रन के लिए मिड ऑफ के ऊपर से, फुल टॉस डाली यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा। यहाँ पर अच्छी बॉलिंग नहीं देखने मिली हमें, लेकिन उसके बाद ये खराब बॉल, बहुत खराब बॉल दोस्तों। पार्टनरशिप इन्होंने की 43 बॉल पर 45 रन की हो चुकी है, 26 बॉल 54 रन होते। इस बार हवा में गई ये बॉल, नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं था दोस्तों, बिल्कुल बच गए यहाँ पर बल्लेबाज, बच गए बैट हवा में बैठे और रिव्यू की तरफ गए यहाँ पर एम्पायर ने रिव्यू भेजा है और ये बैट हवा में टिक लग गया, थ्रो लग गया दोस्तों, थ्रो लग गया, बैट हवा में था हजिया तो नहीं, बैट टिका गया, बैट टिका आउट है, आउट है दोस्तों। यहाँ पर एक और विकेट खो दिया, पर गिफ्ट में दे दिया दोस्तों यहाँ पर हरमप्रीत कौर ने, यहाँ पर अपना एक और बड़ी विकेट यहाँ पर जमा दी दोस्तों। जिमी माह यहाँ पर आई, जिमी माह आइए दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए, जिमी माह रॉड ग्रेस यहाँ पर दोस्तों आइए बल्लेबाजी करने के लिए, जिमी माह जी हाँ दोस्तों, जिमी मा एंड शेफाली वर्मा दोनों ही बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। जैसी हरमप्रीत कौर आउट हुई उसके बाद दोस्तों ये बल्लेबाजी करने के लिए उतरे यहाँ पर दोस्तों। ये अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट है, एक और सिंगोट बॉल दोस्तों यहाँ पर, क्या बॉल है, बहुत तगड़ी बॉलिंग। इसी के साथ ओवर समाप्त दोस्तों, यहाँ पर अच्छा ओवर डाला दोस्तों अनैया यहाँ पर, रायसा अनैया यहाँ पर दोस्तों आइए पहले बॉलिंग करने के लिए दोस्तों अनैया, और तैयार यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के युवक बल्लेबाज जिन्होंने अभी तक एक बॉल का भी सामना नहीं किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस बार छोटी बॉल यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डॉट बॉल दोस्तों, 24 बॉल 53 रन, मुश्किल बॉल और ये वाइड गलत की यहाँ पर एम्पायर द्वारा वाइड दे दी है दोस्तों, बहुत बड़ी वाइड यहाँ पर भारतीय टीम के लिए एक और मिलती हुई। सर दोस्तों यहाँ पर राइस यहाँ पर जरूर आए ओवर लेकर, लेकिन मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। इस बार पर बॉल बेहतरीन शॉट ट्रैक इस्तेमाल है, बिल्कुल भागे दोस्तों यहाँ पर बहुत तेजी से सिंगल के लिए तरफ भागते हैं और यहाँ पर आसान सिंगल आता है दोस्तों। ओवर थ्रो, बिल्कुल थ्रो थ्रो बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान की दोस्तों, पर अच्छा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर भारतीय टीम पर, लेकिन दोस्तों शेफाली वर्मा इधर बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन कर रही है। जैसे ही हम जैसे दोस्तों यहाँ पर आई जरूर बल्लेबाज करने के लिए, इस बार पैर पर बॉल है, हवा में शॉट है, शेफाली वर्मा नीचे फील्डर और ये पकड़ा कैच, शेफाली वर्मा का एक और विकेट यहाँ पर पाकिस्तान को मिलता है दोस्तों। सामने मारने की कोशिश की यहाँ पर, अच्छी लेंथ स्लोवर बॉल डाली और फंसाया दोस्तों यहाँ पर, क्या ही बॉल डाली, बहुत तगड़ी बॉल यहाँ पर अनहैया दोस्तों यहाँ पर आइए बॉलिंग करने के लिए, और ये बहुत बड़ा विकेट चट गया दोस्तों यहाँ पर शेफाली वर्मा का, अनैया का नाम होता हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा विकेट अनैया दोस्तों यहाँ पर आई ओवर लेकर और यहाँ पर विकेट खो दिया दोस्तों भारतीय टीम ने। वेदा आइए दोस्तों, कृष्णा मूर्ति यहाँ पर, वेदा वेदा आइए यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, वेदा तो यहाँ दोस्तों वेदा आइए बल्लेबाज करने की, और जो की बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। इस बार पैर पर बॉल ऑफ लगे बाहर है, हवा में शॉट एक की मांग की, बिल्कुल भागे बहुत तेजी से, थ्रो आएगा, थ्रो आया लेकिन बच गए, 23 बॉल 51 रन दोस्तों, मुश्किल है। जेमी माह दोस्तों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाज कर रही है, जेमी माह जिनकी बात की जाए तो आज के मुकाबले में जेमी माह एंड विदा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों मुकाबले में, मुश्किल मुकाबला है लेकिन दोस्तों इसमें पारी तो जमानी होगी। इस बार पैर पर बॉल, हवा में शॉट, बिल्कुल टाइमिंग
बेहतरीन चार मिली। क्या टाइमिंग के अटैक, क्या टाइमिंग के बॉल को परखा और उसके बाद थोड़ा सा देखा सिल्वर बॉल थी और उस बॉल को बिल्कुल टाइमिंग करके दोस्तों यहाँ पर क्या शॉट है, बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोस्तों जरूर जाता हुआ जिमी मां के ऊपर से चार रन के लिए। बहुत तगड़ी बल्लेबाजी दोस्तों, क्या पारी है, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोस्तों अहमीम पे लगता हुआ, क्योंकि अहमीम आए ओवर लेकर और दोस्तों वेदा ने यहाँ पर एक चौका उनके ऊपर मार दिया। एक बार पैर पर बॉल वहां में शॉट है बिल्कुल दोस्तों मिड ऑफ के ऊपर से, टाइमिंग बेहतरीन, एक और छक्का, एक चौका, उसके बाद क्या ही शॉट मार दोस्तों, जंप के यहाँ पर वेदा और अभी भी आई आई है और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा दिया यहाँ पर दोस्तों। ये अच्छा बहुत ही खतरनाक वो यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से बॉल बैटिंग होती हुई, क्या बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों ये भारतीय टीम की युवक बल्लेबाज यहाँ पर दोस्तों देखने मिली हमें, बहुत अच्छी खेल रही हैं भारतीय टीम की टीम दोस्तों आज के मुकाबले में। अहमीम दोस्तों यहाँ पर बात की जाती है कि जो कि एक विकेट चटका दी और पांच बॉल पर पूरा छोटी बॉल डाली दोस्तों, एक और हवा में शॉट, स्क्वायर लेग पर बड़ा छक्का, क्या शॉट मारे, दो बॉल पर दो छक्के मारे यहाँ पर दोस्तों वेदा ने, जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तुरंत वहां पर लटका के रख दिया दोस्तों पाकिस्तान की टीम। तो फिर से दोस्तों यहाँ पर जरूर आई यहाँ पर ओवर लेकर दोस्तों तैयार, इस बार हवा में शॉट है, बल्ले पर चाहिए नहीं, पीछे फील्डर एक रन की मांग है और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आसानी से आता हुआ है सिंगल, बहुत अच्छे पहली बॉल पर ही एक साइड रोटेट कर दिया पर दोस्तों, वेदा को स्ट्राइक यहाँ पर देनी जरूर है यहाँ पर, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है दोस्तों पाकिस्तान तरफ से। इनकी बात की जाए तो वहां पर मुकाबले में इन्होंने दोस्तों अभी तक चौथा ओवर डाल रहे हैं अपना, थोड़ी तीसरा चौथा ओवर डाल रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक 24 रन दिए मात्र। इस बार ऑफ संगे बाहर है, हवा में शॉट है, पॉइंट के नीचे फील्डर सीधा हाथों में, वेदा की विकेट एक और पाकिस्तान को मिलती है दोस्तों, चौथी विकेट पाकिस्तान को मिल चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बॉल को पड़ा यहाँ पर दोस्तों और वेदा ने पड़ने बड़े शॉट की तरफ गई, स्लो ओवर बहुत ज्यादा थी और इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं कर पाई, पॉइंट के इलाके में दोस्तों फील्डर मौजूद नहीं थे, स्लो ओवर शॉट था और मिड विकेट के फील्डर ने आकर तुरंत वहां पर कैच को कवर किया और दोस्तों यहाँ पर चलता क्या है वेदा को दोस्तों। दीप्ति शर्मा ही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए दीप्ति यहाँ पर आ रही है दोस्तों मुकाबले में, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, ये अच्छी बल्लेबाजी करती है ये बल्लेबाज। अब क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर आज जेमीम एंड दीप्ति शर्मा यहाँ पर क्या इस मुकाबले को जीता पाएंगे दोस्तों, जरूर कराई दीजिए। 16 बॉल 33 रन, इस बार अच्छी छोटी बॉल हवा में शॉट, बिल्कुल कट शॉट मारो तो एक रन की मांग की, कितनी स्लो ओवर बॉलिंग हो रही है यहाँ पर दोस्तों, बॉल को पट कर खेल रही है बल्लेबाज, छोटी बॉल डाले दोस्तों बाहर लेकिन स्लो ओवर बहुत ज्यादा खतरनाक डाल रहे हैं, मुश्किल हो रहा है दोस्तों भारतीय टीम के लिए यार। अगली बॉल ऑफ संगे पार लेट हैंडेड बल्लेबाज, पहली बॉल इनके लिए और हवा में शॉट है, बिल्कुल डार्क थ्रो लगेगा और बिल्कुल हवा में तो कुछ देर के लिए फील्डर आए लेकिन बच गए दोस्तों, पहली बॉल पर दीप्ति शर्मा ने उठाने की कोशिश की लेकिन बल्ले पे इतनी अच्छी आई नहीं दोस्तों, बाल बाल बची यहाँ पर दीप्ति शर्मा दोस्तों, यहाँ पर आते ही तुरंत इतने तेज शॉट खेलने मुश्किल होने वाले बिल्कुल दोस्तों, एक तगड़ी बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान के लाजवाब बॉलर इनके ऊपर, आप हवा में शॉट है बिल्कुल दोस्तों, गैप में शॉट एक रंगी मार के बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 30 दायरे के अंदर मात्र चार फील्डर लगाए और दोस्तों पांच फील्डर यहाँ पर बाउंड्री पे कैच इन पोजिशन में लगाए गए दोस्तों, यहाँ पर पांच फील्डर जो की स्क्वेयर लेग एंड लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे, लेकिन अब आते हुए दोस्तों लॉन्ग ऑन पर कोई लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और इस बार पैर पर बॉल हवा में शॉट है मिड ऑफ के बल्ले बल्ले पाई दोस्तों, यहाँ पर जेमीम ने मारा बड़ा छक्का, जेमीम ने यहाँ पर बॉल को पड़ा दोस्तों और ऑप्शन के बाहर थी, लास्ट बॉल थी ओवर की दोस्तों, भेज दिया पूरे 6 रन के लिए। एमीम आए दोस्तों यहाँ पर, एमीम रेस ओवर लेकर आए और दीप्ति शर्मा पहली बॉल के लिए वाइड बॉल के साथ शुरुआत की, यहाँ पर थोड़ी सी स्विंग आई दीप्ति शर्मा के लिए, एक और वाइड बिल्कुल दोस्तों 12 बॉल पर अब 24 रन की दरकार है, क्योंकि दो ओवर बच रहे मात्र और भारतीय टीम को दोस्तों जीतने के लिए 24 रन दरकार है दोस्तों। अहमीम यहाँ पर अच्छी बॉल डाल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन डाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दीप्ति शर्मा के लिए। अगली बॉल यहाँ पर छोटी बॉल हवा में शॉट, बिल्कुल दोस्तों एक रन की मांग की, बहुत तेजी से भागे और एक और सिंगल आता हुआ यहाँ पर पहली बॉल पर, पहली वाइड उसके बाद सिंगल दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम इस जो भी टारगेट दिया है पाकिस्तान ने उसका लक्ष्य पीछा करती करती हुई बहुत तेजी से दोस्तों जा रही है यहाँ पर भारतीय टीम। रॉडी ग्रेस यहाँ पर दोस्तों इनकी बात की जाए तो तगड़ी यहाँ पर दोस्तों मुकाबले में आज, इस बार बल्ले पच्ची आई दोस्तों यहाँ पर उठा कर खेला है जेमीम ने छक्के के लिए, क्या शॉट मारा यहाँ पर दोस्तों, जेमीम ने पॉल को पड़ा ऑप्शन के बाहर थी और अहमीम पर मारा बड़ा छक्का ऑप्शन के बाहर आउटसाइड ऑफ दोस्तों, युवा
ऑफ की तलाश की यहाँ पर लो यूर कर, और लेकिन पढ़कर खेला दोस्तों यहाँ पर जेमीम ने मिड ऑफ के ऊपर के फील्डर को देखा और उसके ऊपर से खेला फिर भी 6 रन के लिए। पता था उनको फील्डर लगा दिए गए दोस्तों इस इलाके में, लेकिन फिर भी ये बहुत तगड़ी पारी खेलते हैं। 30 दायरे के अंदर दोस्तों यहाँ पर लगा दिए गए हैं 4 फील्डर, हवा में शॉट है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मिड विकेट के इलाके में 1 बाउंस और एक और सिंगल आता हुआ दोस्तों यहाँ पर 9 बॉल 16 रन है दोस्तों। भारतीय टीम को मुकाबले जीतने के लिए क्या लगता है 9 बॉल पर 16 रन बना पाएगी दोस्तों? दीप्ति शर्मा एंड जेमीम दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है दोस्तों, और एमीम राइस ओवर कर रहे हैं दोस्तों। अगली बॉल बहुत ज्यादा बाहर गला है, इस्तेमाल है की मांग की है भाई, बहुत तेजी से एक और सिंगल आता हुआ यहाँ पर, लेकिन थ्रो बहुत खतरनाक लगा दोस्तों, बहुत तगड़ा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है दोस्तों, यहाँ पर आसानी से पहुंच चुकी थी और अपने आप को सुरक्षित पाया दोस्तों यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने दोस्तों। यहाँ पर जेमीम तैयार दोस्तों, यहाँ पर एक छक्का तो मार चुके हैं पर इस बार लास्ट बॉल ओवर की, बिल्कुल हवा में शॉट है, बहुत दूर गए ऑफ साइड पॉइंट के लगे में पीछे फील्डर, लेकिन बीच बल्ले पर दोस्तों यहाँ पर जेमीम ने भेज दी पूरे 6 के लिए। क्या शॉट मारा दोस्तों, ये पारी बहुत लाजवाब आज हमें देखने मिली भारत टीम पर दोस्तों। जेमीम ने क्या शॉट मारे इस ओवर में, ये 2 छक्के इस ओवर में बहुत तगड़ी बल्लेबाज दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट के लाके फील्डर मौजूद थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, यहाँ पर जेमीम ने दिखाई अपनी पावर। 7 बॉल 9 रन है दोस्तों, 7 बॉल 9 रन की दरकार है, और रोड ग्रेज यहाँ पर दोस्तों इस बार पहले पर बॉल है, हवा में शॉट, एक और हवाई यात्रा पर एक और छक्का, ओवर से इसमें 3 छक्के मार दोस्तों यहाँ पर जेमीम ने एमीम पर, क्या पारी खेली दोस्तों। इसी बात को आप लाइक कीजिए कि भारत टीम में युवक बल्लेबाज सुहावा यहाँ पर आए दोस्तों, सवाहा यहाँ पर आई दोस्तों, सवाहा ओवर लेकर, और दीप्ति शर्मा तैयार दोस्तों, 6 बॉल 3 रन सुहावा इस बार पहली बॉल और डॉट बॉल थ्रो यहाँ पर दीप्ति शर्मा दोस्तों, बॉल बॉल बच्ची यहाँ पर स्टंप पर रहेगी बिल्कुल दोस्तों, लेकिन वहां पर डिफेंस करने की कोशिश की दीप्ति शर्मा ने और बल्ले पे बिल्कुल नहीं आई दोस्तों। अगली बॉल एक और डॉट बॉल, 2 पे 2 डॉट बॉल, क्योंकि ऑप्शन में बाहर रखी जा रही है, कभी दोस्तों स्विंग करा रही है, कभी अंदर की तरफ आ रही है दोस्तों बॉल, मुश्किल मुकाबला है, तगड़ी परिस्थितियों की, कैच इन दोस्तों ऑफ साइड में यहाँ पर 3 फील्डर लगा दिए, 3 फील्डर ऑफ साइड में, हवा में शॉट बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर एक रन की मांग की, भागे बहुत तेजी से दोस्तों, और आसान से यहाँ पर रन कम्प्लीट करते हुए ये बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिफेंस किया और सिंगल के लिए भाग दिए दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, 3 बॉल पर 2 रन बना पाएगी भारतीय टीम? जो से राय दी थी दोस्तों, जेमीम की बात की जाए यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर दोस्तों, इस बार अगली बॉल वाइड बॉल लेकिन पैरों वहीं पर जमा हुआ दोस्तों, लेकिन थ्रो लगाया, एक और डॉट बॉल, वाइड बॉल नहीं डॉट बॉल, सुहा दोस्तों पर बहुत अच्छी बॉलिंग करती हुई, इस बार पैरों पर बॉल, हवा में शॉट है, बल्ला बच्चा इधर उठे दोस्तों, कैच की पोजीशन है और ये बिल्कुल 6 रन के लिए, क्या शॉट मारा दोस्तों, बड़ा छक्का, 2 बॉल पर 2 रन की दरकार थी, लेकिन भारत टीम को दोस्तों इस छक्के के साथ चेहान ने जो तो जिता दिया मुकाबला जेमी हान है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मुकाबला दोस्तों भारत टीम ने जीत लिया है बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी के साथ दोस्तों, 6 विकेट से मुकाबला जीता है भारत टीम ने, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी के साथ खेले थे बल्लेबाज। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।